पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित लोकिया गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पलामू पहुंचे। दिनकर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित स्वर्गीय अनिल चौरसिया स्मृति राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कर पूर्व सीएम ने खिलाड़ियों से परिचय पाकर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर उन्होंने आलोक चौरसिया को इस तरह के आयोजन के लिए जहां बधाई दी, वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा से ही नहीं बल्कि खेल से और खिलाड़ियों से भी है। झारखंड के खिलाड़ी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में खेलो इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। खेल में करियर की असीम संभावनाएं बताते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को लगन और मेहनत से आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मौके पर उन्होंने पलामू के जुझारू नेता रहे स्वर्गीय अनिल चौरसिया के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए किए गए उनके संघर्ष के बारे में बताया। वहीं इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान सांसद बीडी राम ने कहा कि फुटबॉल पलामू का सबसे लोकप्रिय खेल है, इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। विश्रामपुर विधायक सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जहां आलोक चौरसिया की सराहना की, वहीं उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर जनता की सेवा करने में सक्रिय हैं। मौके पर मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह समेत भाजपा के तमाम नेता उपस्थित रहे। सभी खेल प्रेमी और हमारे सभी खिलाड़ीगण, मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी और कीर्तक विश्वकर्मा और गुड्डू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस श्रद्धा सुमन अर्पित के साथ साथ आलोक चौरसिया जी जो उनके सुपुत्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है कि पिता के बताए हुए रास्ते पे चलना और पिताजी की कोई आज्ञा होता तो सुपुत्र वही कहलाता जो पिताजी की आज्ञा का पालन करता। जैसे भगवान राम ने अपने पिताजी का आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष वनवास देने का काम किया, तो पिताजी के किए हुए काम को आगे बढ़ाने वाले चौरसिया जी को बहुत बहुत बधाई। झारखंड सिर्फ खनिज संपदा से ही झारखंड की पहचान नहीं है, झारखंड की पहचान खेल कूद से भी हमारी झारखंड की देश दुनिया में पहचान है। और इसी कारण हम देख रहे हैं झारखंड हमारा फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय गेम है और जिस तरह हमारे खिलाड़ी और जिस तरह खेल प्रेमी यहां उपस्थित है और जो उत्साह, जो जुनून, जो जज्बा खिलाड़ियों के साथ साथ खेल प्रेमी में है ये भी काबिले तारीफ है। इस क्षेत्र के आम आम भी जानता है कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया उस व्यक्ति का नाम था जिसने कभी कोई कार्य को ठानता तो पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ अपने लोगों को और अपने लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ने के काम करते थे। आज उन्हीं का उपलक्ष्य है, आज उन्हीं का देन है, आज उन्हीं का विश्वास है कि हम तमाम लोग एक मंच पर उपस्थित होकर अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के काम करते हैं और बराबर ऐसे फुटबॉल आयोजकों के माध्यम से उनको हम तमाम लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के काम करते हैं। आज बहुत कुछ बोलना था लेकिन समय ज्यादा हो गया, मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के नाते आप तमाम लोग यहाँ आए, मैं सभी लोगों को मैं अपने और सफीर से बधाई और शुभकामना देता हूँ।